आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों का वर्ष फल कैसा रहेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, जिसमें अपार ऊर्जा, स्वभाव से थोड़ा क्रोधी, परम स्वाभिमानी, प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारक हैं। आपके अंदर भी कमोबेश यही स्वभाव परिलक्षित होगा। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी कम ऊर्जा महसूस होगी। जनवरी फरवरी में आत्मविश्वास कम न होने दें, अपने कार्य को कल पर ना टालें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दैनिक कार्य योजनाओं को पूरा करने की भरसक कोशिश करें। मित्र बंधुओं से भी सहयोग मिलता रहेगा। यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर पेट संबंधी दिक्कत और मानसिक उलझन वर्ष के पूर्वार्ध में बना रहेगा। मार्च से अप्रैल तक धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। वित्तीय रुकावट खत्म होने लगेगी। कोर्ट कचहरी, विवाद संबंधी मामलों में सफलता के योग हैं। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, परास्त रहेगा। अप्रैल के बाद अगस्त तक थोड़ी ऊर्जा कम महसूस होने लगेगी। रुकावटें महसूस होंगी, थोड़ी अड़चनें आने लगेंगी। सहयोग की मात्रा हर तरफ से कम हो सकती है। व्यर्थ की अड़चन और मानसिक उलझन बढ़ सकती है। अगस्त के बाद फिर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अपने भावी संतान के प्रति ध्यान दें। हर संभव डॉक्टरी सलाह लेते रहें। संतान के दायित्व की पूर्ति में मशक्कत करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा वर्ष रहेगा। पढ़ाई का प्रतिफल अपेक्षा से कम मिलने की संभावना है। चूंकि शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मेहनत तो करवाएंगे ही। धैर्य रखकर कार्य करते रहें। अक्टूबर से बहुत राहत महसूस करने लगेंगे। पुनः मन मुताबिक काम और निजी सुख में वृद्धि होने लगेगी और साल के अंत तक धन और भाग्य संबंधी शिकायतें दूर होती चली जाएंगी। यदि आपके स्वास्थ्य, धन संबंधी मामले, कार्य संबंधी मामलों में असंतुष्टि मिल रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ दें, केले के पौधे में रोज जल डालें, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा रोज करें। किसी कार्य पर जाने से पहले मीठा खाकर पानी पीकर जाएं, काम में अनुकूलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए देखते हैं कन्या राशि के जातकों का राशिफल वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा। आपकी राशि बहुत ही खास है। यही एक ऐसी राशि है जिसमें बुध स्वराशिस्थ होकर अपने घर में होता है और साथ ही यही इनकी उच्च राशि भी है। आप मानसिक रूप से बली, प्रबल तर्क शक्ति वाले और उच्च कोटि के सलाहकार होते हैं। अधिकतर सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होती है। वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। शुरुआती वर्ष के एक दो महीने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। त्वचा संबंधी परेशानी, पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पेट दर्द के प्रति लापरवाही ना करें। यदि ऐसा लगता है तो तुरंत कुशल चिकित्सकीय परामर्श लें। अप्रैल, मई, जून बेहतर महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। वर्ष का उत्तरार्ध स्वास्थ्य को लेकर अच्छा होता जाएगा। धन के मामले में अनुकूलता चली आ रही है। मित्र सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक उन्नति मिलेगी। प्रयास करें, अपने कार्य और उद्देश्य के प्रति सक्रियता बनाए रखें। सफलता मिलेगी। यदि आपकी दशा अनुकूल चल रही है तो वाहन, जमीन जायदाद के मामले में प्रयास सफल रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। भावी संतान के प्रति सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मानसिक तनाव वाला रहेगा। अनावश्यक दुश्चिंताएं बनी रह सकती हैं। क्योंकि केतु अपने शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं तो आत्मविश्वास में
भारी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। अपने विश्लेषणात्मक शैली एनालिटिकल व्यू को सुधारने की कोशिश करें, सफल रहेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में माता का स्वास्थ्य कमोबेश मध्यम रहेगा। श्वास और हृदय संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। माँ को केसर का उपयोग कराएं, राहत मिलेगी। बुजुर्ग माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापारिक योजनाएं अधिकतर सफल होंगी। वर्ष के उत्तरार्ध में और अनुकूलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए सफल रहेगा। जो बातें हमने बताई हैं उनमें यदि आपको मन मुताबिक अनुकूलता नहीं मिलती है तो निम्न उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। यदि संभव हो तो रोज़ शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। अपना वायव्य कोण पश्चिम उत्तर का कोना साफ सुथरा रखें। हम आपके सफल सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आइए देखते हैं तुला राशि के जातकों का राशिफल कैसा रहेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तुला नाप दौल बराबर, ना किसी को अधिक ना किसी को कम। घर परिवार समाज में ये न्याय समझौता कराने वाले, सबके साथ बराबर दृष्टिकोण रखने वाले कहे जाते हैं, सम्मान पाते हैं। वैसे भी आपकी राशि पर बृहस्पति पहले से चले आ रहे हैं। अपने से बड़े सम्मानित आदरणीय लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता आ रहा है। नौकरी में हैं तो अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। मन लगाकर काम करें। स्वास्थ्य आपका अभी अच्छा है। इस वर्ष के पूर्वार्ध तक आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। मार्च से जून तक थोड़ी उलझन रह सकती है, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल लेंगे। सहयोगियों से तालमेल बिठाकर चलें, सफल रहेंगे। चौथे घर में केतु के होने की वजह से सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन में एक अनावश्यक भय व्याप्त रहेगा, जिसमें समय समय पर राहत मिलती रहेगी। दाहिने कंधे और पीठ में थोड़ी जकड़न महसूस कर सकते हैं। यदि आपकी दिनचर्या नियमित और संयमित है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं महसूस होंगी। धन संबंधी मामले में वर्ष का उत्तरार्ध ज़्यादा सहयोग करेगा। बृहस्पति के वृश्चिक राशि में जाने से आर्थिक रूप से आपको और सुदृढ़ता मिलेगी। धन की दिक्कत दूर होगी। रुका हुआ धन मिलता जाएगा। प्रयास अभी से करते रहें। नौकरी करने वाले जातक कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो देख समझ कर साइन करें। सारी जिम्मेदारी आपकी बनेगी। अपयश या दोषारोपण की बात हो सकती है। कार्य व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। सभी कुछ अनुकूल होते हुए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध राहत भरा रहेगा और अंत में आप सफल महसूस करेंगे। आपका प्रयास संतान और बच्चों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। बच्चों और विद्यार्थी के साथ लगे रहें, उनको राहत मिलेगी। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ने में मन लगेगा, उच्च शिक्षा के लिए सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, अधिकतर काम होते जाएंगे। वर्ष का उत्तरार्ध और अच्छा होगा। वर्ष के अंत में धन संबंधी मामलों में सफल रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य पर मई जून तक ध्यान देना होगा। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आना स्वभाव में बना रहेगा। आपका मानसिक सहयोग उनके लिए राहत भरा रहेगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। चूंकि केतु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अनावश्यक घबराहट, बेचैनी यदा कदा बनी रहेगी। हड्डी संबंधी दिक्कतों पर भी ध्यान देते रहें। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो योग चल रहा है, प्रयास करें। यदि आपको मन मुताबिक अनुकूलता नहीं मिल रही है
तो आप ये उपाय कर सकते हैं। केले के पौधे में रोज जल डालें। रोज शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को जलाभिषेक करें और माता दुर्गा की आराधना करें। हम आपके सुखद सफल भविष्य की कामना करते हैं। देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का यह वर्ष कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो कि अदम्य साहस, धैर्य, वीरता, नेतृत्व करने का जोश देते हैं। मगर आपका स्वभाव अति संवेदनशीलता वाला है। किसी का आपके लिए कहा गया प्रतिकूल वचन अंदर तक बेध डालता है। उसके कहे हुए वाक्य आपके जेहन में घूमते रहते हैं, जो कि आपकी क्षमता और क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। इसलिए अति भावना प्रधान न बने, यह आपके लिए विकास में बाधा साबित होगी। क्षमाशीलता विकसित करें, व्यवहारिक रूप से अपने अंदर लचीलापन लाएं। व्यक्तित्व में और निखार आएगा। आपके ऊपर साढ़े साथी की तीसरी ढैया चल रही है। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि 2.5 साल जो आपने मेहनत किया है और कार्य योजना की बीज बोई है, उसका फल काटने का समय आ चुका है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपको सफलता के पायदान मिलते जाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों को भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। जो मेहनत आप कई महीनों से करते आ रहे हैं, उसका पारितोषिक आपको मिलेगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी दोनों तरह के जातकों के लिए यह वर्ष फलदायी होगा। वर्ष के शुरुआती 1-2 महीने में स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। दांत, मसूड़े, कंधे में जकड़न और यदा कदा कान से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यदि आपकी उम्र 40 के आसपास है, तो तकिया और नरम बिस्तर का इस्तेमाल कम करते जाएं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाने का अवसर मिल सकता है, प्रयास करें। वर्ष का उत्तरार्ध और अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। चूँकि राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अंत में सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ी वात रोग की प्रधानता रहेगी। गत वर्ष से इस वर्ष ज़्यादा राहत महसूस करेंगी। धन संबंधी मामलों में यह वर्ष आपको मन मुताबिक सहयोग करेगा। आर्थिक योजनाओं का निर्णय अच्छा होगा, कोई कमी नहीं महसूस करेंगे। भाग्य संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अप्रैल से अगस्त तक थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, उसको आप धैर्य के साथ मैनेज कर लेंगे और वर्ष के उत्तरार्ध में फिर अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी और वर्ष के अंत में सफल रहेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पत्नी भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से मानसिक चिंता, घबराहट, बेचैनी यदा कदा हो सकती है। वर्ष का मध्य समय उनके स्वास्थ्य को उत्तम रखेगा। निजी सुख में वृद्धि होगी और राहत महसूस करेंगे। मीठी वाणी का प्रयोग करें, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि हमारा काम और स्वास्थ्य ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो ये उपाय करें। सूर्यदेव को अर्घ दें, केले के पौधे में जल डालें, नित्य हनुमान जी की आराधना करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। हम आपके सुखद नव वर्ष की कामना करते हैं।